मैं इस वक्त पाल घर में, और पाल घर का ये समंदर है और यहाँ पे आप देखिए कि एक जहाज दूर फंसा हुआ आपको नजर आएगा। जो लाइट आप देख रहे हैं वो जहाज है। बताया जाता है कि ये जहाज जो है मुंबई पोर्ट से जो है निकला था और गुजरात जाने के लिए था, लेकिन जो है बीच रास्ते में हो गया। और यहाँ पर अभी क्या सिचुएशन थी, क्या सारी चीजें थी, यहाँ पर पुलिस उसकी जो है को जब सूचना मिली तो वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इसकी पूरी तहकीकात की। बताया जा रहा है कि ये जहाज गुजरात के लिए जब निकला तो रास्ते में उसका इंजन खराब हो गया और उसके बाद जो है फिर उसे वहीं पर रोक दिया गया। अभी यहाँ पर अंधेरा है, तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन मेरे सामने जो है वो पूरा समंदर है और वो समंदर में जो थोड़ी सी लाइट दिख रही है वो उस जहाज की है जो समंदर में फंसा हुआ है। कोस्ट गार्ड के मुताबिक और पालघर पुलिस के मुताबिक यहाँ पर जो है किसी भी तरह का जो है इस जहाज को लेकर के संदिग्धता नहीं है, क्योंकि सब कुछ इसके जानकारी सबको थी, कोस्ट गार्ड डिपार्टमेंट को और जो है पुलिस को, साथ ही मुंबई पोर्ट को, और पूरी इसकी जो है जानकारी थी। उसके बाद जो है जब पुलिस ने जो है इसकी जांच पड़ताल की, उसके बाद पुलिस ने एक जो है जानकारी भी लोगों से साझा की थी कि जो है ये जो सर इसमें कुछ कुछ बता सकते हैं, ये अभी इसकी क्या सिचुएशन है? वो है बंद है अभी, अभी इसका दूसरा जहाज आएगा और जो है उसको जो है फिर ले जाया जाएगा। तो ये पुलिस यहाँ पर अभी मौजूद है, सुरक्षा के लिए पुलिस को यहाँ पर मौजूद किया गया। उनको उनका कहना है कि पूरी जानकारी जो है वो हमारा डिपार्टमेंट देगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पालघर पुलिस ने एक सूचना जारी की थी, एक जानकारी साझा की थी कि ये जहाज को लेकर के किसी भी तरह की संदिग्धता नहीं है। ये जहाज मुंबई पोर्ट से निकला था और गुजरात जाने के लिए निकला था, लेकिन ये रास्ते में खराब हो गया। मैं इस वक्त हूँ पालघर के उसी समुद्री किनारे पर जहाँ पर जो है ये फंसा हुआ है, और भी लोगों से यहाँ पर कुछ लोग हैं, बातचीत हम उनसे करते हैं। ये जो जगह है कौन सी जगह है? ये ओलराई है, ये ओलराई बीच है ये। हाँ जी। ये जहाज कितने बजे आया था और जो है फिर उसके बाद सूचना दी गई? 12 बजे आया था सर। और उसके बाद फिर इसको यहाँ पर आप देखा गया, फिर कैसे सूचना दी गई? इधर में लंगड़ देखकर खड़ा कर गया और पानी उधर से आ रहा था ना, जैसे जैसे जहाज इधर में आ रहा था वो। अच्छा अच्छा। जैसा जैसा उधर से पानी आ रहा था, जैसे जैसे इधर में बढ़ रहा था वो। अभी 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 क्या किया जा रहा है? अभी क्या किया जा रहा है, अभी तो उसको देखा, अभी उसको आया था जहाज भी, हेलीकॉप्टर भी आया था, वो देख कर चला गया आपस। पानी चला गया ना, पानी अब चला गया तो अभी वो आस्था पर खड़ी है। अभी तो बहुत जनता यहाँ, बहुत देखे वाला है, वो बहुत भीड़ लगा हुआ था अभी वही। इसमें जहाज में क्या लदा हुआ है, क्या जा रहा है सामान? कुछ मालूम सर, तो हम लोग को तो मालूम नहीं है। अब हम लोग इधर है, दरिया हो दरिया नहीं, हम लोग बाहर हैं तो उसको क्या देखेंगे, अब पेट ने क्या। ये जगह आपकी कौन सी बताया आपने? ये वडराई ये बीच है, और वडराई पालघर का जो ये वडराई बीच है, ये वो आपको बीच का ये किनारा है और इसके बाद पूरा ये समंदर, क्योंकि रात हो चुकी है और यहाँ पर सब कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है। लेकिन पुलिस ने इस जहाज की पूरी जांच की है, जब यहाँ पर ये फंसा था उसके बाद बताते हैं कि यहाँ पर बहुत भीड़ लग गई थी, लोग आ गए थे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है समुद्री, जो मुंबई के जो समुद्री किनारे हैं वो बहुत ही जो है संदेह की स्थिति में उनको माना जाता है। जब इस तरह के कोई जहाज आ जाते हैं तो तुरंत अलर्ट जारी किया जाता है, पुलिस जो है उसके लिए चौकस हो जाती है। लेकिन अगर इस जहाज की बात करें जो यहाँ पर फंसा है, तो उसके बारे में पुलिस ने ये जानकारी साझा कर दी है कि ये जहाज जो है मुंबई पोर्ट से चला था, गुजरात के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका इंजन खराब हुआ है और उसकी वजह से यहाँ पर रोका गया है। मैं आपको बताऊं कि जब दोपहर में ये वाकया हुआ था तो उसके बाद एक चॉपर की मदद से, हेलीकॉप्टर की मदद से पूरी इसकी जानकारी ली गई थी। फिलहाल जो यहाँ के लोग हैं और जो पुलिस विभाग है वो अभी इस पर यही सूचना दे रहा है कि इंजन खराब है, उसको बनाया जाएगा, उसको रिपेयर किया जाएगा और उसके बाद ये जहाज आगे बढ़ जाएगा। कैमरामैन अनूप के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, पालघर।